हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। तो कैसे आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। वीडियो का टाइटल तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। तो जी हाँ, हमने जो है इंपोर्ट से आरएस का सामान मंगवा लिया है हैदराबाद से, वो भी मोटो लेगेसी स्पेयर से। सो इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि हमने क्या क्या सामान मंगवाया है, उनका प्राइसिंग हमको कितने में पड़ा। हालांकि हमने इसका अनबॉक्सिंग पहले कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को सामान दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या मंगवाया है और इनके प्राइसिंग क्या है वो आप लोगों को बता देते हैं। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप भी अपने RX 100 या फिर अपने RX 135 के लिए स्पेयर्स चाहते हैं या फिर पार्ट्स चाहते हैं या फिर कुछ भी सामान चाहते हैं, तो आप मोटो लेगेसी स्पेयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उन लोग का इंस्टाग्राम हैंडल जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, उन लोगों से साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को भी अपने RX के लिए कुछ भी सामान चाहिए होगा। COD अवेलेबल नहीं है, शिपिंग प्राइस आपको एड्रेस के लिए आपको पे करना पड़ेगा। सो कमिंग बैक टू दी वीडियो, तो जैसा कि अब हमने बताया आप लोगों को कि हमने इसका अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, तो बॉक्स तो आपने देख ही लिया होगा। ये कुछ ऐसा अंदर का बॉक्स है, बाहर से प्लास्टिक से एकदम पैकिंग होकर इसका आया था एकदम अच्छे से। तो इसको पहले ओपन अप करके आप लोगों को दिखा देते हैं क्या क्या सामान हमने मंगवाया है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं RX 135 का हेड एंड बोर का रबर किट। 100 का जो है वो अलग आता है, ये RX 135 के लिए है केवल। और इसका पेंडिंग प्राइस है 263, ये मेरे को पड़ा है 250 रुपये में, 250 रुपीज़ में। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे RX 35 में हेड एंड बोर का रबर किट नहीं है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन इशू आता रहता है। तो इसके लिए मैंने हेड एंड बोर का रबर किट मंगवा लिया है। और इसको बोलते हैं टैंक बेस रबर, ये मेरे को पड़ा है 40 रुपये में। ये एकदम RX 35 और 100 के टैंक में निचले हिस्से में लगता है, जिसके टैंक में वाइब्रेशन कम आए, जिसकी वजह से इसको हमने मंगवा लिया है। इसको बोलते हैं टैंक बेस रबर। और ये है हमारे वीडियो का लास्ट आइटम, जो कि है फ्लोट पिन किट। क्योंकि मेरे RX 135 का फ्लोट पिन जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, पेट्रोल ठीक से पासिंग नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमने एक फ्लोट पिन किट भी मंगवा लिया है अपने RX 35 के लिए, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग कुछ भी ऑर्डर करते हैं मोटो लेगेसी की तरफ से, तो आप लोग को एक थोड़ा सा बेहतरीन एकदम स्टिकर दिया जाएगा टू स्ट्रोक लवर के लिए। एकदम देख ही सकते हैं आप लोग, बहुत ही बेहतरीन स्टिकर सही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक ही रखते हैं, अभी समाप्त करते हैं वीडियो। और इनका जो फिटिंग प्रोसेस है, मैं पार्ट बाय पार्ट लाऊंगा। और भी चीज़ें ऑर्डर है वो आने के बाद उनका भी पार्ट बाय पार्ट वीडियो आएगा अलग अलग करके। तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।